CWG 2018 हीना ने भारत को दिया 11वां गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स CWG 2018 कोलन इस स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया एलिना गलियावोवे को रजत पदक हासिल हुआ, वहीं मलेशिया की आलिया सजाना अजाहरी को कांस्य पदक मिला। वहीं भारत के अनुभवी निशानेबाज गगन नारंग और चैन सिंह पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रोन स्पर्धा के फाइनल में खाली हाथ रह गए। भारत की अनुभवी महिला निशानेबाज हीना सिद्धू ने गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में मंगलवार को छठे दिन भारत की झोली में 11वां स्वर्ण पदक डाल दिया। कार्डियक सर्जन हीना ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए सोना जीता। हीना ने इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड कायम करते हुए 38 अंक हासिल किए और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इस स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया एलिना गलियावोवे को रजत पदक हासिल हुआ, वहीं मलेशिया की आलिया सजाना अजाहरी को कांस्य पदक मिला। वहीं भारत के अनुभवी निशानेबाज गगन नारंग और चैन सिंह पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रोन स्पर्धा के फाइनल में खाली हाथ रह गए। दोनों को केवल निराशा ही हाथ लगी है। गगन को इस स्पर्धा के फाइनल में 7वां और चैन को 4था स्थान हासिल हुआ। भारतीय अनुभवी निशानेबाज गगन ने फाइनल में कुल 142.3 अंक हासिल किए, वहीं टन को 204.8 अंक हासिल हुए। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक वेल्स के डेविड फेल्प्स को हासिल हुआ, उन्होंने 248.8 अंक लिए और साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। स्कॉटलैंड के नील स्टर्टन को 247.7 अंकों के साथ रजत पदक हासिल हुआ और इंग्लैंड के केनेथ पार ने 226.6 अंकों के साथ कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इससे पहले गगन और चैन सिंह ने स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। गगन ने क्वालिफिकेशन में 3रा स्थान तो चैन सिंह ने 6ठे स्थान पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया। गगन ने क्वालिफिकेशन में कुल 617.0 अंकों का स्कोर किया, वहीं चैन सिंह ने 614.2 अंकों का स्कोर किया। गगन ने पहले राउंड में 102.5, 104.8, तीसरे में 102.3, चौथे में 103.2, पांचवे में 103.4 और आखिरी राउंड में 110.8 का स्कोर किया। वहीं चैन सिंह ने 104.3, 104.2, 103.1, 110.9, 102.3, 99.4 का स्कोर किया।